नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आपका अपने परिवार परीक्षा प्लस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने ले लिया होगा वीडियो और एग्ज़ाम का। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की थी कि आने वाले टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं अपने वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के, खासकर जीएस वाले सेक्शन। लास्ट वाले सेक्शन क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्टिंग का मतलब वही 1757 के बाद से लेकर के 1947 तक की जो घटनाएं हैं वो कैसे घटित हुई हैं और हमें उन्हें किस प्रकार से पढ़ना है, कवर करना है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक एक को थोड़ा सा ओपन करके देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर? सो बिना देरी के हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करूँ तो सबसे पहले भारत में जो आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों का आगमन हुआ है, उन अंग्रेज़ों के आगमन के बाद में किस प्रकार भारत में अंग्रेज़ों ने विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया, एक एक क्षेत्र को विजय करने का काम किया और उन विजय करने के प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत का रहा है वो रहा है बंगाल। ठीक, बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि बंगाल भारत का सबसे समृद्ध और संपन्न क्षेत्रों में से एक माना जाता था, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, चाहे वो शक्तियों को लेकर के हो, हर एक चीज़ के मायने में बंगाल सबसे समृद्ध और सशक्त रहा है। तो किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल विजय किया वो हम लोग यहाँ से देखने का काम करेंगे। क्लियर है? देखिएगा, हमें यहाँ क्या पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ओवरऑल बंगाल विजय को लेकर के, या बंगाल में अंग्रेजों की जो नीतियाँ रही वो कैसी रही हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं पहले बात कर लूँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लास नहीं ले रहे हैं, एक रिविज़न क्लास फॉर्मेट के तौर पे ले रहे हैं जिससे कम टाइम पे हमारा एग्जाम कवर हो जाए। क्लियर है? देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें बंगाल में, तो बंगाल में हम पढ़ते हैं प्लासी। क्या पढ़ते हैं? प्लासी। वन सेकेंड, सबसे पहले मेरे दोस्त हम क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार आपका मैं माइंड सेट कर दूं जिससे कि आपको पता रहे। सबसे पहले प्लासी कब हुआ, प्लासी के बाद में बक्सर, और बक्सर के जस्ट बाद में इलाहाबाद की संधि। ठीक, और इलाहाबाद की संधि से जस्ट बाद में बंगाल का द्वैध शासन, मतलब बंगाल में द्वैध शासन, और लास्ट में हम ये देख लेंगे कि लैंड रिफॉर्म कैसे किया गया। लैंड रिफॉर्म का मतलब है रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और इस्तेमराड़ी, ये तीनों चीज़ें हम लोग एक बार देखने का काम करेंगे। इतनी चीज़ें हमें ओवरऑल बंगाल विजय को लेकर के पढ़ना है। प्लासी कैसा, देखिए आपसे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फारूक सियार ने किसको नेतृत्व किया था, किसको बंगाल का अंतिम दीवान बनाया था, किसको बंगाल का अंतिम सूबेदार बनाया था, किसने राजधानी को मुंगेर लेकर के मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, ये कुछ फैक्ट है। बट जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं ना, बनने की संभावना है अबाउट प्लासी। ठीक है, अबाउट प्लासी का मतलब मेरे दोस्त हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लासी है क्या, कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है, कब युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, उसके परिणाम क्या रहे, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। मैं इसलिए आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बताते हुए चल रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि अगर एक बार आपको आपकी स्ट्रेटजी पता रहेगी तो आप आने वाले टाइम पे खुद से भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम एक एक चीज़ों को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं बात करूँ बंगाल की, तो ये मैंने बंगाल नहीं लिखा, मैंने बंगाल लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त बंगाल की, तो बंगाल में सबसे खास बात क्या हुआ है कि आपको पता होगा कि बंगाल में औरंगजेब ने सबसे पहले, ठीक, औरंगजेब ने कब 1700 में किसको, मुर्शिद कुली खान को, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पे होगा मुर्शिद कुली खान, ये फैक्ट आप नोट करके चलिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा, मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने क्या कर दिया, बंगाल का दीवान नियुक्त किया।
और सबसे खास बात क्या रही, जब दीवान नियुक्त किया उसी के जस्ट बाद में 1717 के आसपास में जो मुगल सम्राट थे फारूक सियार, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अन्य रीजनों में से एक रीजन ये भी रहेगा। फारूक, मैं थोड़ा सा फैक्ट लिख दूँ ना फिर मैं आपको समझाता हूँ। फारूक सियार ने 1717 में किसको, मुर्शिद कुली खान को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, मुर्शिद कुली खां को क्या जारी किया था, एक जारी किया था परमिशन था, मतलब एक लाइसेंस था, मैं लाइसेंस लिख देता हूँ फिर मैं अभी आपको समझाने का काम करूँगा, लाइसेंस जारी कर दिया। और ये जो मुर्शिद कुली खान था, ठीक है, ये बंगाल के रीजन में अंतिम सूबेदार था जो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, मुगल सम्राट के द्वारा। मैं फैक्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम फैक्ट का है, मुगल सम्राट द्वारा लास्ट, ठीक, इसलिए लास्ट किया गया, क्यों, क्योंकि मुर्शिद कुली खान के बाद में जो सूबेदार का पद था, सूबेदार या मैं यूं कहूँ जो दीवान वाला पद था, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, जो दीवान वाला पद था ये कैसा हो गया था, वंशानुगत हो गया, और वंशानुगत होने के बाद का मतलब था कि अब अगला उत्तराधिकारी ही कौन बनेगा, सूबेदार बनेगा, ठीक है। तो ये इतना आप लोगों ने देख लिया, मतलब बंगाल का जो प्रशासन शुरू हुआ है वो औरंगजेब के शासनकाल में 1700 से प्रारंभ हुआ और 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। वहीं पर आप देखेंगे कि 1717 के आसपास में जो मुगल सम्राट रहे हैं फारूक सियार, उन्होंने मुर्शिद कुली खान को जब मतलब नियुक्त तो औरंगजेब ने किया था लेकिन उन्होंने उसे एक लाइसेंस जारी किया था और वो लाइसेंस सामान्यतः बंगाल के क्षेत्रवासियों को मुक्त व्यापार करने की परमिशन देता था, ठीक है। आगे चल के आप देखेंगे कि इसी परमिशन को किसने समाप्त कर दिया था, मुगल, सॉरी, जो हमारे यहाँ के बंगाल के नवाब रहे हैं उन्होंने इसको समाप्त कर दिया जिससे अंग्रेजों को समस्या हुई थी, आगे जस्ट हम उस विषय पर बात करेंगे। तो यहाँ तक औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम सूबेदार कौन है, वो मुर्शिद कुली खान है, और मुर्शिद कुली खान के जस्ट बाद में बंगाल का जो नवाब वाला पद रहा है वो कैसा हो गया था, वंशानुगत हो गया था। इतना हम लोगों ने इस वाली स्लाइड पे यहाँ पे देखने का काम किया है। अब बात करेंगे आगे से जो हमारे काम का है। अब मेन एंट्री होती है नवाब सिराजुद्दौला की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाब सिराजुद्दौला, ठीक, देखिएगा बंगाल का नवाब कौन होगा ये बहुत बड़ा विषय रहा है क्योंकि उस समय बंगाल अपने आप में एक सशक्त राज्य के तौर पर उभर रहा था और अंग्रेजों की ये इच्छा थी कि अगर अंग्रेजों को ब्रिटेन के साथ या यूरोपियन देशों में व्यापार करना है तो भारत के क्षेत्र में उन्हें एकाधिकार प्राप्त होना चाहिए और अगर उन्हें एकाधिकार प्राप्त होगा तो सस्ते दामों पे वो भारत से वस्तुएं खरीद सकेंगे और महंगे दामों पर वो यूरोपियन देशों में जाकर के बेच सकेंगे, ये उनका मेन मोटो था। इसीलिए वो भारत के क्षेत्रों में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन संघर्षों में जो ठीक ठाक लेवल पर संघर्ष हुआ वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ में हुआ क्योंकि मुर्शिद कुली खान के बाद में नवाब सिराजुद्दौला उनके उत्तराधिकारियों में एक सबसे योग्य उत्तराधिकारी था जिन्होंने बंगाल की बागडोर अपने हाथ में ली थी और यही वो नवाब सिराजुद्दौला है जिसके साथ अंग्रेजों का प्लासी का युद्ध होगा, इसीलिए नवाब सिराजुद्दौला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्लियर है। तो नवाब सिराजुद्दौला अब जब आया है तो इसके कई संघर्ष हैं, एक तो अपनों से और दूसरा अंग्रेज से। अपनों से संघर्ष में अगर आप देखेंगे तो इसकी मौसी जिसका नाम था घसीटी बेगम, आप याद मत रखिएगा बस ऐसे ही नाम है इनका, घसीटी बेगम, ठीक है, इनका नाम बेगम है, बाकी इन्होंने गम बहुत दिया था नवाब सिराजुद्दौला को, ठीक है, तो घसीटी बेगम थी। और सबसे खास बात क्या रहा है, इन्हीं के अन्य लोगों में घसीटी बेगम रही है और घसीटी बेगम के साथ में इसका सेनापति रहा है जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर रहे हैं और अन्य लोग भी इसके विरोधी रहे हैं, क्यों,
क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जो बंगाल का नवाब है वो नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब है वो नवाब सिराजुद्दौला ना बन पाए। ठीक, इसीलिए इन लोगों ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ संघर्ष करने का काम किया। इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और अंग्रेज जा करके मिल गए किससे, इसके विरोधियों से। क्योंकि कहा जाता है कि अपनों का दुश्मन दुश्मन, और सॉरी, अपनों का जो दोस्त होता है वो दुश्मन का दुश्मन माना जाता है, अगर किसी दूसरे का दुश्मन है तो वो अपना दोस्त होता है। ठीक, तो अंग्रेजों ने जा करके मिल लिया किससे, मीर जाफर से। और इस समय अंग्रेजी का जो सेनापति था वो कौन था, वो बहुत ही योग्य व्यक्ति था। ठीक, सेनापति कौन था इस समय का, अगर मैं बात करूं, आपको क्लियर दिख रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। इस समय जो यहाँ का नवाब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस नवाब ने अंग्रेजों से जा करके क्या कर लिया, संधि की। अंग्रेजों का मतलब है कि यहाँ का है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने मीर जाफर को क्या दे दिया, लालच, और लालच देकर के ये कहा कि भैया अगर हम बंगाल जीते तो अगला नवाब तुम बनोगे। क्या बनोगे, अगला नवाब तुम बनोगे। अब हुआ तो मीर जाफर ने, इसके मौसी ने, और इसके जो अन्य लोग थे हितमित, उन लोगों ने अंग्रेजों को दे दिया सहायता, कहा ठीक है हम तुम्हें युद्ध में मदद करेंगे। ठीक, मैं कहानी के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहानी के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे इजिली आप उस लेवल पे आ जाएं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गए कि बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिद कुली खान के बाद में बंगाल का जो अगला नवाब नवाब सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला अपने सभी व्यक्तियों में योग्य व्यक्ति था और उसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया, लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों से उसे सत्ता का संघर्ष करना पड़ा और अंग्रेजों से भी करना पड़ा। अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव ने उसके सेनापति मीर जाफर को लोभ लालच दे दिया, जिससे लालच के वश मीर जाफर जाकर मिल गया रॉबर्ट क्लाइव से, अंग्रेजों से मिल गया। इसी के जस्ट बाद में आप देखेंगे, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि अब किस प्रकार से युद्ध हुए हैं वो याद रखिएगा। डेट 23 जून 1757, भागी रथी नदी के तट पर, नादिया जिला। ठीक है, ये नादिया है कहाँ पे, तो ये है मेरे दोस्त है वेस्ट बंगाल में। ठीक, नादिया जिला में हुआ। ठीक है, सबसे खास बात ये थी कि इसमें जहाँ एक तरफ क्लाइव लड़ रहा था, वहीं पे अगली तरफ नवाब नवाब सिराजुद्दौला लड़ रहा था, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला बेचारा हार जाता है अपनों से धोखा खाने के कारण, और रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से विजय करने के बाद में किसको, मीर जाफर को अगला नवाब नियुक्त कर देता है। लेकिन इसके बदले में अंग्रेज मीर जाफर से क्या चाहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजों ने बंगाल विजय के जस्ट बाद में, प्लासी जब हुआ है, प्लासी के बाद में इन्होंने जो हमारा पूरा का बंगाल वाला रीजन रहा है उससे जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त वाला क्षेत्र था उससे एक्वायर करने का काम किया। एक बार ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों का उद्देश्य कभी भी क्या रहा है, एक सेकेंड में पानी पी लूँ। अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीय प्रशासन करना नहीं रहा है, यहां के राजस्व को कंट्रोल करना रहा है। ठीक है, यहां पे जब इन्होंने बंगाल को विजय किया, बंगाल विजय करने के बाद प्लासी जीता है, तो प्लासी जीतने के बाद में मीर जाफर को तो नवाब बनाए, बदले में कुछ तो चाहिए था। तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने वर्धमान, बंगाल का वर्धमान, ये याद रखिएगा, मिदनापुर और चिटगांव या चटगांव, इन तीनों की दीवानी ले ली। दीवानी का मतलब होता है राजस्व
राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया। क्लियर है? तो इतना चीजें आप लोगों ने देखा कि बंगाल में विजय के दौरान प्लासी युद्ध हुआ और प्लासी के बाद में चीजें कैसे कैसे घटने लगी। ठीक, इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे कि और क्या चीजें घटित हुई हैं। तो सबसे खास बात यह रहा है कि जब नवाब सिराजुद्दौला बना है तो उससे पहले बहुत सारी चीजें घटित हुई थी। ठीक है, इन्हीं के जस्ट बाद में आपको चीज और बता दूं कि जो युद्ध हुआ क्लायो का एंड नवाब नवाब सिराजुद्दौला का, इसके पीछे एक घटना थी जिसे हम काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। पता नहीं, पूछ ही ले, काल कोठरी की हम घटना कहते हैं। और काल कोठरी की घटना थी क्या? ऐसा माना जाता है कि काल कोठरी की जो घटना रही है इसे ब्लैक होल की घटना भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि आपको पता है मेरे दोस्त कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज था। ठीक, और इसी फोर्ट विलियम कॉलेज की नवाब सिराजुद्दौला ने करवा दी थी किलाबंदी। और किलाबंदी के दौरान ही यहीं पर माना जाता है कि शायद 140 के आसपास थे, ये डेटा कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट कंफर्म, बट हाँ 140 के आसपास माना जाता है कि कुछ सैनिक थे और उन अंग्रेजी सैनिकों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह होने के दौरान देखा गया खाली 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, बाकी सबके सब मर गए। ठीक, तो ये घटना क्या कहलाई थी? काल कोठरी की घटना। और इसको भी ध्यान में रखते हुए प्लासी का एक युद्ध माना जाता है, तत्कालिक कारणों में ये भी रहा है। वहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज की किलेबंदी, काल कोठरी की घटनाएं, और एक तरीके से अगर मैं देखूं तो बंगाल में विजय की नीतियों ने कहीं ना कहीं बंगाल पे अटैक करने का काम किया। बंगाल पे अटैक करने के साथ में प्लासी वाला युद्ध देखा गया। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा दोस्त आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के जस्ट बाद में अब कौन बना है? तो अब बन रहा है मीर जाफर। और जब मेरे दोस्त मीर जाफर बना तो मीर जाफर काफ़ी योग्य व्यक्ति था। ठीक, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अब ये किसको बनाएंगे, अब ये बनाएंगे मीर जाफर को। अब सेनापति कौन बना? तो अब सेनापति बना है मीर जाफर। और जब मीर जाफर बना तो मीर जाफर ने काफ़ी कुछ बेहतर करने का काम किया। लेकिन मीर जाफर भले ही अच्छा इंसान था, लेकिन उस अच्छे इंसान होने के कारण भी इसने बंगाल को सशक्त करने का काम किया था। किसको? बंगाल को इसने सशक्त करने का काम किया जो अंग्रेजों को पचा नहीं, किसको? अंग्रेजों को हजम नहीं हुआ। और अगर हजम नहीं होगा तो चीज़ें क्या होंगी? धीरे धीरे चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने इसके आने के बाद में सामान्यता जो बंगाल के क्षेत्र रहा है ना, उस बंगाल के क्षेत्र में मनमाने तरीके से, कैसा? मनमाने तरीके से व्यापार प्रारंभ कर दिया। और व्यापार प्रारंभ करने के जस्ट बाद में आप देखेंगे कि इस व्यक्ति ने क्या किया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। इसने जो एक प्रकार से दस्तक हुआ करता, तो मैंने आपसे कहा था ना कि दस्तक का जैसे दुरुपयोग प्रारंभ होगा, क्या किया जाएगा? इसने दस्तक के दुरुपयोग के होते ही दस्तक को समाप्त करने का काम किया था। और दस्तक को इसने समाप्त इसलिए किया क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर दस्तक समाप्त हो जाएगा तो अंग्रेजों के साथ साथ में बंगाल के जो लोग हैं उन्हें भी मुक्त व्यापार की मतलब अनुमति मिल जाएगी, और इससे व्यापार बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड होने के कारण ये है कि बंगाल के निवासियों के लिए वह लाभप्रद होगा, जो हर एक व्यक्ति चाहता था। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि इसने अपना राजधानी तो परिवर्तन किया ही, इसने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुंगेर ले गया। कहाँ ले गया? मुंगेर। और मुंगेर में क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। साथ ही साथ में जो दस्तक था, दस्तक क्या था? दस्तक एक प्रकार से लाइसेंस था। जो नए नए टर्म्स हैं ना एग्जाम को लेकर के, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। दस्तक था लाइसेंस जो कि मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता था। ये याद रखिएगा कि दस्तक क्या था, तो एक लाइसेंस था जो मुक्त व्यापार करने की नीति देता था।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, ठीक है, कि ऑलरेडी इन्होंने बना दिया किसको, मीर जाफर को बनाया तो था, लेकिन मीर जाफर निकला थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति, और मीर जाफर के बाद में इन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को हटा करके जब इसकी नीतियाँ थोड़ी सी बेहतर होने लगी और ये अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग काम नहीं करने लगा, तो अंग्रेज़ों ने जो अगला नवाब था इसको हटा करके किसको बना दिया मीर कासिम को, मीर कासिम को बना दिया। अब जब मेरे दोस्त मीर कासिम बनेगा ना, तो मीर कासिम सबसे खास बात होगा कि ये अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग काम करेगा, और अगर मीर कासिम अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों को चाहिए क्या था, यही चाहिए था कि ऑलरेडी हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें होती रहें। मीर कासिम को लगभग 1760 से लेकर के और 1765 तक क्या वहाँ का वो नवाब रहा है मीर कासिम, ठीक। अब मीर कासिम और मीर जाफर में थोड़ा सा अंतर क्या आएगा वो देखिएगा। इस समय कौन है नवाब, अब ध्यान से देखिएगा, नवाब मीर कासिम, ठीक, 1760 से, किसको, मीर जाफर को हटा दिया गया, क्लियर है। अब जब मीर जाफर को हटा दिया गया तो सबसे एक अच्छी बात क्या होगी, अब अंग्रेजों के मन मुताबिक चीजें धीरे धीरे घटित होने लगेगी। लेकिन भाई मीर जाफर बैठने वाला थोड़ी था, मीर जाफर ने क्या किया कि मीर जाफर ने कैसे भी करके बंगाल को अंग्रेजों से छीनने का काम किया। लेकिन मीर जाफर को एक चीज पता था कि मीर जाफर अकेले, क्या, मीर जाफर अकेले अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकता है, ठीक है, मीर जाफर अकेले अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकता। इसके लिए मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर ने अवध के नवाब का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और एक व्यक्ति कौन, बंगाल का नवाब मीर जाफर, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक संयुक्त संधि बनाई, और संयुक्त संधि बना करके इन तीनों लोगों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करने का निर्णय ले लिया, ठीक। ये चीज़ें चल रही थी धीरे 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 धीरे, कहाँ तक, 63-64 तक ठीक ठाक चली थी। अब जब मुद्दा आया कि भैया ये तीनों लोग मिल गए हैं और अंग्रेजों के साथ इनका फिर से सत्ता संघर्ष होने वाला है, तो इस बार जो सत्ता संघर्ष होगा ये होगा 1765 में, इसे सामान्यतः 64 आप कह लेते हैं, 1764 में, और इससे आप बक्सर के नाम से जानते हैं, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में तीन लोग एक तरफ थे वर्सेज अंग्रेज, और अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, अब आ चुका था हेक्टर मुनरो। देखिए आपको कहानी बहुत पता है, मैं जानता हूँ, बट आपको फैक्ट की ज़रूरत है, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, अभी तक हम लोगों ने बात किया कि बंगाल का नवाब कौन आया, बंगाल के नवाब के बाद में फिर कौन आया, तो मुद्दा निकल के आया था कि मुर्शिद कुली खान के बाद में जो अगला बंगाल का नवाब बना वो बना था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला का अपनों से संघर्ष और अंग्रेजों से संघर्ष रहा, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला काफ़ी योग्य व्यक्ति था और वो बंगाल का विकास करना चाहता था, लेकिन अपनों से संघर्ष में उसका खुद का सेनापति मीर जाफर रहा है, उसके अपने रहे हैं घसेटी बेगम रही हैं, और उसी के साथ में अगर मैं बात करूं अन्य लोगों में, तो अन्य लोगों में अमीन चंद भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
तो इन लोगों ने मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के साथ में क्या करा, षड्यंत्र किया, और इसी का लाभ उठाते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने इसके सेनापति को अपने तरफ मिलाने का काम किया कि फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। फलतः प्लासी 1757 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर ये वाला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक युद्ध हुआ जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों की विजय और हमारे भारतीय नवाबों की हार हुई। उसके बाद में आप देखेंगे कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और उसी के बदले में मिदनापुर चटगांव का जो वर्धमान वाला जो दीवानी वाला क्षेत्र था वो अंग्रेजों ने ले लिया। फिर मीर जाफर धीरे 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 बना, लेकिन जब वो थोड़ा बेहतर काम करने लगा तो उन्हें हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन चूंकि मीर जाफर एक अच्छा व्यक्ति था, वो बंगाल के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं अकेले युद्ध ना करूं, इससे अच्छा है कि जो हमारे क्षेत्रीय शासक हैं उन्हें भी क्यों ना अपने साथ में लाया जाए, जिसमें उसने मदद ली अवध के नवाब शुजाउद्दौला और हमारे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की। इन तीनों लोगों ने मिल करके एक संयुक्त सेना का निर्माण किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम किया, जिसमें युद्ध अब जो मुद्दा निकल करके आया वो किसके बीच में हुआ, तो हमारे तीन नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर ने एक तरफ लिया। और वहीं पे आप देखेंगे कि जो अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन था, वो था हेक्टर मुनरो। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, अब किस प्रकार से युद्ध हुआ है, किससे बीच हुआ है, वो हम लोग देखने का काम करेंगे। तो सामान्यतः आपने ये चीज़ें तो देख लिया कि कैसे कैसे हुई और इस पूरे युद्ध के प्रोसेस में कौन विजय हुआ, हेक्टर मुनरो विजय हुआ, और विजय होने के साथ में जो तीनों संयुक्त सेना थी इनकी हुई है पराजय। और इस पराजय के होने के बाद में जस्ट भले ही हेक्टर मुनरो विजय किया, लेकिन अब फिर से एक बार कौन आ चुका था, क्लाइव। तो क्लाइव ने इन लोगों के साथ में संधि की और उस संधि को हम जानते हैं इलाहाबाद की संधि। बस यही एक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट था, इलाहाबाद की संधि। अब रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के तहत क्या क्या किया वो हम लोग एक बार देखने का काम कर लेंगे, ठीक। इलाहाबाद की संधि क्लाइव ने किया था, कब किया था, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि किसने की, ये इम्पॉर्टेंट है, क्लाइव ने किया था। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक बार हम देख लें तो अच्छा होगा। यहीं से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। इसी के जस्ट बाद में जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन देने की बात कही, ठीक है। और ये जो पेंशन था इसकी धनराशि कहाँ से लेना था, बंगाल वाके नवाब से, क्योंकि भाई इन्होंने ही युद्ध थोपा था, ठीक। इसी के जस्ट बाद में अगला क्या हुआ कि जो अवध का क्षेत्र था, अवध वाले क्षेत्र से लेकर के, अवध से लेकर के कौन सा, इलाहाबाद यवम काड़ा, ये किसको दे दिया गया, मुगल सम्राट को। भाई कुछ लेंगे कुछ तो देने का काम करेंगे ना, मुगल सम्राट को दे दिया। और फिर अवध पे 50 लाख रुपए का हरजाना भी लगाया और अवध को यहीं से बना दिया गया बफर स्टेट। इस प्रकार आप देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि में कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाता है, क्लियर। तो इलाहाबाद की संधि किसके परिणाम स्वरूप हुई है, बक्सर के परिणाम स्वरूप हुई है। बक्सर से जस्ट पहले हुआ है प्लासी, प्लासी नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में हुआ है। वहीं पर आप देखेंगे कि बक्सर का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब के बीच में तीनों में हुआ। तीनों को पटक के, अंग्रेजों ने तीनों को पटक के मारा, हराया। और हराने के बाद में आप देखेंगे कि इलाहाबाद की किस प्रकार से संधियां की गई। इलाहाबाद की संधि करने के जस्ट बाद में आप देखेंगे कि अब यहां से आपको द्वैध शासन देखने को मिलने लगा था। क्यों? क्योंकि निजामत वाला जो काम था, ठीक, दीवानी, आपको तो पता है कि अब दीवानी कहां से आ गई थी, अंग्रेजों के पास, ठीक है। मैं इरेज कर दूं, दीवानी किसके पास आ गई, अंग्रेजों के पास में, और निजामत अभी भी किसके पास दे दिया गया, शासकों के पास रहा। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यवस्था को क्या कहा गया है, द्वैध शासन,
मतलब दो व्यक्तियों का शासन कहा गया है, क्लियर है। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं पे अगर मैं द्वैध शासन की बात करूँ तो द्वैध शासन कब तक चला है मेरे दोस्त, तो द्वैध शासन 1765 से लेकर के 1772 तक चला है। क्यों 1772? क्योंकि 1772 के बाद में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, और किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग आया है, आपको पता होगा, जब वॉरेन हेस्टिंग आया तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया है, और समाप्त करने के बाद में इसने लैंड रिफॉर्म के तहत विभिन्न प्रकार से भूमि सुधार नियमों को लेकर के ये भाई साहब आया था। वहीं पे अगर मैं द्वैध शासन का जनक बताऊं तो द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो द्वैध शासन का जनक कहा जाता है लियो लियो कार्टिस को। ठीक, लियो कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों ने देखा। अब ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तो आप लोगों ने प्लासी देखा, बक्सर देखा, द्वैध शासन देखा, किस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही थी, फैक्ट को लेकर के ये चीज़ें आपने देखने का काम किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चंस ऑफ नेचर कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चंस ऑफ नेचर मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आसान बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर कौन था, तो आपको पता होगा कि मुर्शिद कुली खान था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के दौरान में पहली बार कौन सा युद्ध जीता है, तो वो प्लासी का जीता है। इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया है कि नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कौन सा युद्ध हुआ है, तो प्लासी का युद्ध हुआ है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि प्लासी कहाँ पर है, तो वो पश्चिम बंगाल है। किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी के है। किस ज़िले में है, तो नादिया ज़िले में है। बक्सर का युद्ध जब हुआ तो उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। अवध के नवाब कौन थे, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय थे। इलाहाबाद की संधि किसने की, तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने की है। सम्राट आलम के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के दौरान किया है। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। वहीं बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, इतनी सारी चीज़ें मेरे दोस्त आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो ओवरऑल बंगाल विजय को लेकर के अंग्रेजों की कैसी पॉलिसियाँ रही हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखने का काम किया है। छोटा सा शॉर्ट वीडियो ये रहा है बंगाल विजय को लेकर के। यहाँ पे तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। पहला, नवाब प्लासी किसके बीच हुआ, रिजल्ट क्या रहा, लोकेशन क्या रहा, बक्सर किसके बीच हुआ, कहाँ हुआ, रिजल्ट क्या रहा है, विजय कौन हुआ, इलाहाबाद की संधि क्या थी, क्या उसके प्रोविजंस थे, किसने किसके ऊपर क्या लगाया था, इसी के साथ में द्वैध शासन क्या है, द्वैध शासन किसने लेकर के आया, उनका जनक कौन माना जाता है, और कब तक वो प्रशासन चला है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।